जी नाज़िम, डॉक्टर राजा मेदी हसन हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है दिल की बीमारियों के सिलसिले में। जनरली डॉक्टर साहब से हमने पूछा कि वो क्या अहम पॉइंट्स हैं चीदा चीदा जिससे हम लोग दिल की बीमारियों से बच सकते हैं या उनको कंट्रोल में रख सकते हैं, उनकी जो प्रोग्रेशन है उसको कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से सुनते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच खुरम। देखिए, दिल की बीमारियां इस वक्त इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि पूरी दुनिया में 2 करोड़ तक लोग इस बीमारी से मर रहे हैं और पाकिस्तान में 2 लाख तक, यानी हर 4-5 मिनट के बाद एक बंदा इस बीमारी से रुखसत हो रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप अपनी चंद चीज़ों पर नज़र रखें तो मैं समझता हूँ कि आप बीमारियों को काफ़ी हद तक कम कंट्रोल कर सकते। सबसे पहले हर बंदे को अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए, अपना, अपने घर में जितने मेंबर्स हैं सबका ब्लड प्रेशर चेक कराएं, शुगर लेवल पता होना चाहिए कि कितना है, नॉर्मली जो फास्टिंग में है 100 से कम नीचे होना चाहिए और जो रैंडम है वो 160 तक होना चाहिए, और HbA1c 3 महीने वाला टेस्ट वो भी लाजमी हर 3 महीने बाद करवाएं, वो 6.5 mg/dL से नीचे होना चाहिए। इसी तरह आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो कितना है, नॉर्मली 200 से कम होगा होना चाहिए, इस दिन ट्राइग्लिसराइड जो है ना आपके वो भी 150 से कम। इसी तरह जो ओबेसिटी है, जो BMI लेवल है वो पता होना चाहिए आपको। अगर आपको हाइट और वेट पता है तो आप अपना BMI एक फार्मूले के तहत चेक कर सकते हैं। नॉर्मली 25 तक नॉर्मल होता है और 25 और 30 के बिटवीन हम कहते हैं ओवरवेट है, 30 से ऊपर हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ओवरवेट है। तो इसी तरह बाकी स्मोकिंग और इसके बचने से लिए छोटी सी नज़म में मैं हर चीज़ आपको पेश करूंगा। वो कहते हैं कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, BP कोलेस्ट्रॉल घटाना, सिगरेट को मत हाथ लगाना, सेहत का ये दस्तूर सुहाना, देखो यारो भूल ना जाना, कम खाना। इन हदायत पर अमल करके आप अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी दिल के अमराज से दूर रख सकते हैं। शुक्रिया।